Very good morning, my dear all students. Myself Devan Kumar Tiwari. Today I will teach you English grammar. मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को अपने YouTube चैनल के माध्यम से अंग्रेजी ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने चल रहा हूँ. सो दैट लेट अस स्टार्ट टू स्टडी अबाउट इंग्लिश ग्रामर फर्स्ट चैप्टर. सो बिफोर स्टडी चैप्टर वी विल नो व्हाट इज़ ग्रामर. पहले हम सीखेंगे ग्रामर किसे कहते हैं. ग्रामर इज़ द स्ट्रक्चर एंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज. किसी भी भाषा को लिखना पढ़ना बोलना यह हम व्याकरण के माध्यम से ही सीखते हैं. सो लेट अस नो हाउ मेनी मेन पार्ट्स ऑफ ग्रामर. हम सीखेंगे इंग्लिश के कितने पार्ट्स होते हैं, इंग्लिश ग्रामर कितने पार्ट्स में बांटा गया है. कोई भी लैंग्वेज होता है उसके ग्रामर का अध्ययन करने के लिए पहले हमें अल्फ़ाबेट्स, उस लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट्स आना चाहिए. जैसे इंग्लिश हैज़ 26 अल्फ़ाबेट्स. इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिसे आप पहले ही जानते हो. लेटर, LETER, लेटर. लेटर मीन्स होता है वर्ण या अक्षर. और दूसरा चीज है वर्ड. क्या होता है वर्ड? वर्ड मीन्स होता है शब्द. वर्ड मीन्स शब्द. और जो तीसरा इसका पार्ट है वो है सेंटेंस. सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य. सेंटेंस मीन्स क्या होता है? वाक्य. इंग्लिश ग्रामर में लेटर्स को जनरली टू पार्ट्स में बांटा गया है. एक इसका वावेल्स, एक होता है वावेल्स VOWELS वावेल्स. दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स. क्या होता है? कॉन्सोनेंट्स. वावेल, देयर आर 5 वावेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स. इंग्लिश अल्फाबेट में वावेल 5 होते हैं. पहला है ए, ई, आई, ओ, यू. कॉन्सोनेंट्स एक्सेप्ट वावेल्स, ऑल रिमेनिंग लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. ए, ई, आई, ओ, यू को निकालने के बाद जितना बचता है सब कॉन्सोनेंट कहलाता है. आपका जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, वो आपका वावेल हो गया. पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्लू, एक्स, वाई, जेड. तो इस तरीके से इंग्लिश में 5 वावेल्स हो गए और 21 कॉन्सोनेंट्स हो गए. सेकेंड स्टेप आप पढ़ेंगे वर्ड. क्या पढ़ेंगे हम? वर्ड. वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड क्या होता है? वर्ड को जनरली जैसे हम जानते हैं, वर्ड को कहते हैं शब्द. और क्या बोलते हैं? शब्द. शब्द किसे कहते हैं? A group of letters that makes complete sense is called word.
इसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्या बोलते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपको इंडिया लिखना हुआ, INDIA, इंडिया, इन इंडिया, आई इज अ लेटर, डी इज अ लेटर, बट व्हेन यू हैव कलेक्ट ऑल दीज लेटर्स देन वी विल फाइंड अ वर्ड इंडिया। इन सारे लेटर को जब हम इकट्ठा करते हैं तो हमें एक वर्ड मिलता है, शब्द बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं? इंडिया। क्या कहते हैं? इंडिया। तो इंडिया आपका क्या हो गया? इंडिया हमारा हो गया वर्ड, इंडिया क्या हो गया? वर्ड। और डी आपका क्या हो गया? लेटर। एन क्या है आपका? लेटर। जनरली वी से दैट अ ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड लेटर, इज कॉल्ड वर्ड। तो लेटर जनरली हम क्या करते हैं, कह सकते हैं कि वर्ड जो होता है वो लेटर के समूह से बनता है। दूसरी चीज है, वर्ड के बाद हम पढ़ेंगे सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है। तीसरा चीज आपका आ गया सेंटेंस, SENTENCE, सेंटेंस। सेंटेंस को क्या कहते हैं? वाक्य। सेंटेंस को क्या कहते हैं? वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? व्हाट इज सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes complete sense is called sentence, यानी कि a group of words, वर्ड्स मीन्स होता है शब्द, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे हमारा वर्ड लेटर के ग्रुप से बनता है, वैसे हमारा जो सेंटेंस होता है वह वर्ड के ग्रुप से बनता है, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वैसे जनरली हम कह सकते हैं कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस इज दैट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, राधा प्लेज क्रिकेट। जैसे आपका राधा एक हो गया, प्लेज हो गया, क्रिकेट हो गया, राधा प्लेज क्रिकेट। इस सेंटेंस में राधा आपका क्या हो गया? शब्द हो गया। प्लेज भी क्या है? इसको हम वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं, ये भी एक ग्रुप ऑफ लेटर हो गया। क्रिकेट आपका जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर से ये वर्ड है। तो राधा प्लेज क्रिकेट, इन थ्री वर्ड को जब हमने मिलाया तो हमें एक सेंटेंस मिला। वो सेंटेंस क्या मिला? राधा प्लेज
क्रिकेट, राधा प्लेज क्रिकेट। तो क्रिकेट, क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हो गया, प्लेज वर्ब हो गया, राधा सब्जेक्ट हो गया। तो एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सेंटेंस में वर्ब का आना जरूरी होता है। तो राधा प्लेज क्रिकेट, इन राधा प्लेज को, क्रिकेट को जब हम इकट्ठा किए, एक कर दिए, तो हमें एक सेंटेंस मिल गया, राधा प्लेज क्रिकेट। तो ये हमारा का क्या हो गया, ए हो गया सेंटेंस, ए हो गया आपका वर्ड, क्या हो गया वर्ड। और आपका राधा भी एक नाउन है, ग्रुप ऑफ लेटर्स वर्ड, ए भी हो गया, प्लेस प्लेस दिया जो मेन वर्ब है, ए भी वर्ड की तरह हो गया, एक वर्ड ग्रुप ऑफ लेटर हुआ। तो जनरली भी हम कह सकते हैं सेंटेंस जो होता है एक क्या होता है, शब्दों का समूह होता है। अब ये जो सेंटेंस हम पढ़ते हैं, सेंटेंस जो होता है किसी भी वाक्य में मुख्यतः दो चीज़ें पाई जाती हैं वाक्य में, एक होता है आपका सब्जेक्ट, एक क्या होता है सब्जेक्ट, और दूसरा आपका होता है और ऑब्जेक्ट, क्या होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, जिसको हम कहते हैं प्रेडिकेट, क्या बोलते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, क्या बोलते हैं सब्जेक्ट या प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट जिसको हिंदी में आप उद्देश्य बोलते हो, या फिर कर्ता हम कह सकते हैं, जिसको हम कर्ता या उद्देश्य कहते हैं। अबाउट विच, अबाउट विच समथिंग इज सेड, समथिंग इज सेड, समथिंग इज सेड कॉल्ड सब्जेक्ट, कॉल्ड सब्जेक्ट। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, हम कर्ता कहते हैं। जैसे आपका हो गया एग्जाम्पल के तौर पर, ऊपर का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राधा, राधा प्लेस क्रिकेट, ऐसे हम लिखते हैं राधा प्लेस क्रिकेट। जनरली क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो बताता है कि एक्शन को कौन करता है, हु प्लेस क्रिकेट, इसी को हु प्लेस क्रिकेट, आंसर इज दैट राधा प्लेस क्रिकेट। तो इसमें सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, यहाँ राधा कर रही है, राधा आपका क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया। और दूसरा चीज होता है प्रेडिकेट, क्या है प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट किसे कहते हैं, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट इज ए वर्ड, प्रेडिकेट हम दूसरे पेज पे इसको पढ़ते हैं, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट किसे कहते हैं, प्रेडिकेट को हिंदी में हम कहते हैं विधेय, क्या कहते हैं विधेय। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेडिकेट, प्रेडिकेट का डेफिनेशन क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे। अब प्रेडिकेट इज अ वर्ड, प्रेडिकेट is a word, is a word that tells about subject, यानी subject के बारे में जो कहता है उसको क्या कहते हैं predicate कहते हैं, उसको कहते हैं विधेय। For example में जैसे अभी हम पढ़े थे subject का example, उसी example को हम लेते हैं,
एग्जाम्पल, जैसे आपका हुआ राधा, राधा प्लेज क्रिकेट, राधा प्लेज क्रिकेट, तो राधा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, हु प्लेज क्रिकेट, राधा प्लेज क्रिकेट, तो राधा क्या हो गया सब्जेक्ट, और प्रेडिकेट क्या है, व्हाट डज राधा डू, व्हाट डज राधा डू, राधा क्या करती है, ये कौन बता रहा है आपका प्रेडिकेट बता रहा है, कौन बताता है प्रेडिकेट, प्रेडिकेट इज अ वर्ड दैट टेल समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, जैसे इसमें हुआ राधा क्या करती है, राधा क्रिकेट खेलती है, तो आपका प्लेज क्रिकेट पूरा क्या हो जाएगा प्रेडिकेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रेडिकेट, ठीक है। तो प्रेडिकेट भी हमारा क्या आता है, वर्ब आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट में जैसे हो जाता है आपका जीरंड हो गया, ठीक है, आपका प्रीपोजिशन हो गया, और ये सब चीज़ें इसमें आएंगी जिसको हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे। अगले वीडियो में मैं आपको प्रेडिकेट के बाद जो है एक्सप्लेनेशन और चीज़ों का करूँगा जो मेजर चीज़ें हैं अबाउट ग्रामर। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।